हेलो गाइस, मैं प्रियल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल पे प्रियल मैम रीजनिंग के अंदर। तो आज की शुरुआत करते हैं अपने टारगेट के साथ। तो आई होप आपको इस टारगेट को करने में बहुत मजा आ रहा होगा और आपका साथ साथ सिलेबस भी साथ साथ चल रहा होगा मेरे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के अपने टारगेट की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैलकुलेशन की। तो कल मैंने आपको बोला टेबल्स पे फोकस करने के लिए, आज मैं आपसे बोलूंगी थोड़ा सा क्यूब्स पे काम करते हैं। एक से लेकर 15 तक के आपको क्यूब्स याद करने हैं। कितना? 1 से लेकर 15 तक। एक से लेकर 10 तक तो क्यूब्स आपको याद होंगे ही होंगे, ज्यादातर यूज में आते हैं। मेनली याद कौन से करते हैं, करने 11 से लेकर 15 तक आपको स्क्वायर क्यूब्स याद करने हैं। ठीक है, और दूसरी बात है टेबल्स को हैबिट में रखिए रेगुलरली। आपको कितना समय लगेगा? मुश्किल 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट में आप टेबल ले सकते हैं। जो आपने कल टेबल्स याद की थी 12 से लेकर 15 तक की, उनको लिखिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्क्वायर्स हो गया, क्यूब्स हो गया, फिर बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में मैंने कल आपको शुरुआत करी है कोडिंग डिकोडिंग के पहले पार्ट की, लेटर कोडिंग। कल क्या शुरुआत की थी मैंने? लेटर कोडिंग की शुरुआत की थी कि अल्फाबेट को अल्फाबेट से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा। तो ये क्लास पहले आप देखिए, क्लास को देखने के बाद आपको जहां से सवाल मिलते हो कि आपको यकीन नहीं होगा कोडिंग रिकॉर्डिंग आपके एग्जाम बहुत ज्यादा मार्क्स की आती है, उसको कीजिएगा। जहां से आपको सवाल मिल सके, कोडिंग रिकॉर्डिंग बहुत कॉमन टॉपिक कहीं मिल जाएगा आपको, किसी भी किताब में, हर किताब में अवेलेबल, हर रीजनिंग किताब में अवेलेबल होगा। ठीक है, उसके बाद बात करें मैथ्स की। मैथ्स मैंने आपको कल टाइम एंड डिस्टेंस का एक पार्ट करवाया था, लेट और अर्ली वाला पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट के 4-5 अलग अलग टाइप के सवाल बनते हैं, वो मैंने आपको सारे सिखा दिए हैं। अब आपका काम ये है वो सवालों को देखना और पहचानना। आपको मेन काम क्या है? सवालों को पहचानना कि कौन से सवाल में कौन सा पैटर्न लगेगा। ठीक है, ये बात है। तो कल क्लास को देखना है, मेरे साथ साथ चलोगे समझ में आएगा, क्योंकि आज टाइम एंड डिस्टेंस को हम खत्म कर देंगे। फिर बात करते हैं जीके की। जीके में कल आप लोगों ने स्टेडियम्स और पोर्ट्स याद किए थे, आज आप क्या करेंगे? फोक डांसेस को याद कीजिएगा। हर स्टेट का अपना कुछ फेमस डांस होता है, कुछ का फोक डांस होता है, कुछ भी, हर स्टेट की अपनी स्पेशलिटी होती है, कुछ फेमस डांस होते हैं, वो आपको याद करने हैं। जितना मैं बोल रही हूँ, देखो एक बार जरूर मेहनत लगेगी। अब आपको पहले क्या करना पड़ेगा? पहले सारे फोक डांस को ढूंढना पड़ेगा। तो जैसे आप ढूंढते हो ना, तो अपनी एक कॉपी बना लीजिए स्टैटिक जीके की, जिसमें हम लिखते हुए जाइए, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका टारगेट था। टारगेट को फिनिश करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करो कि यस मैम हमने कंप्लीट कर लिया है। इससे क्या होगा, बहुत फायदे हैं, लास्ट टाइम में आपको रिवाइज करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं शाम को वापस से। बाय बाय, सी यू।